आईआईटी आईआईएम करने के बाद आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हो, आपको जॉब करनी चाहिए, और सबने मुझे एक ही एडवाइस दी कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए या इस टाइप का फाइनेंस में जॉब ले लीजिए या आप ये जॉब ले लीजिए। किसी ने मुझे उस समय ये नहीं कहा कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 18 लोगों की तनख्वाह दे सकूँ। मेरी एक ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी एक तरह से बिताना चाहता हूँ, और वो एक तरह से बिताना मेरे लिए वही था जो मैं आज कर रहा हूँ। और इसलिए मैं ये कहूँगा, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ यशीश दहिया एंड आई रन PolicyBazaar.com। सो दिस स्टोरी स्टार्टेड व्हेन आई वाज अबाउट 15 टू 17 इयर्स ओल्ड, व्हेन आई वाज ग्रोइंग इनटू एन एज व्हेन आई हैड टू डिसाइड व्हाट टू डू। मेरी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स में रहे थे, उसका मतलब ये था सबको पता था कि उनकी रिटायरमेंट डेट क्या थी, उनको सैलरी कितनी मिलती थी, टीए कितना मिलता था, डीए कितना मिलता था, पेंशन कितनी मिलती थी। तो लाइफ बहुत सिक्योर थी सबकी, सबका हेल्थ कवर वगैरह हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से होता था। मेरे को लगता था कि मेरे पास एक लाइफ है, सभी हम सबके पास एक एक लाइफ होती है, और मुझे लगता था कि मेरे को इसमें कुछ अचीव करना है, अचीव करना है, कुछ इम्पैक्ट करना है। और अगर सच कहूँ तो मुझे ये पता होना कि 30 साल बाद मेरी क्या सैलरी होगी और मैं किस दिन रिटायर करूँगा और मेरे को कैसे पेंशन मिलेगी, मुझे थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता था। मुझे लगता था कि ये मेरे को, मेरी लाइफ को थोड़ी बॉक्स हो जाएगी, तो मेरे को उस बॉक्स में से निकलना बहुत ज़रूरी था। और मैं जिससे भी मिलता था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत लोगों से मिलने को कहा, मैं जिससे भी मिलता था वो मुझे उसी तरफ गाइड करते थे कि भाई लाइफ सिक्योर बनाओ, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पर मुझे एक तरह से वो, मुझे ना उससे थोड़ा सा निकलना था, किसी कुछ भी कह लिए, मुझे उसमें से, उस सिचुएशन में से निकलना था। मुझे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि जॉब्स में हमेशा सुननी पड़ती थी किसी की, तो प्राइवेट जॉब में भी कोई आपको बताएगा आपने क्या करना है फिर आप वो करेंगे, तो मुझे वो भी बहुत सफोकेटिंग लगता था। लेकिन मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं अपने आप कोई बिज़नेस शुरू कर सकूँ, ना कोई आइडिया था बहुत बड़ा। मैंने कुछ टाइम के लिए एक घर पर ट्यूशन सेंटर चलाया था, और पर उससे मेरे फैमिली को थोड़ी दिक्कत हुई थी कि भाई तुम आईआईटी आईआईएम करने के बाद अब ट्यूशन सेंटर चला रहे हो, आपको जॉब करनी चाहिए कोई, तो थोड़ा सा उस तरह का प्रेशर आ गया था। तो मैंने ऑब्वियसली, और इनकम भी चाहिए थी, एक तरह की बेस चाहिए था कोई भी जॉब कर, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो किराया तो देना पड़ता है, जगह का किराया देना पड़ता है, कुछ एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, कुछ कंप्यूटर वाले लेने पड़ते हैं। तो मेरे को, मैंने अगले 4-5 साल जॉब की, मेरा दिल कभी जॉब में नहीं था, पर जिस दिन जॉब कर रहा था मैंने पूरे शिद्दत से अपना काम किया, और मैंने उन कंपनी में जहाँ जहाँ काम किया अपना पूरा एफर्ट लगाया। मैंने 5-7 साल ऐसे काम किया, 5-6 साल ऐसे काम किया, मेरे पास कुछ एक बेस बन गया कुछ पैसों का। और उसके बाद आइडिया आया कि ये जो इंश्योरेंस होता है, क्योंकि मेरे पास 2-3 सिचुएशन थी हमारी फैमिली में जहाँ पर एक अंकल की डेथ हो गई थी, हमने देखा कि फैमिली को कितनी डिफ़िकल्टी हुई अगले 6-7 साल। एक दूसरे अंकल थे, उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था लेकिन उनका पैर जल गया, तो उससे उन्हें फाइनेंशियली कितनी डिफ़िकल्टीज आई, और ये हम देख सकते थे 15-20 साल में आगे कितनी डिफ़िकल्टीज आई। एक लड़की का मेडिकल में तकरीबन 70-80 लाख रुपये का खर्चा आ गया था बिफोर शी अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड, बट किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए 70-80 लाख रुपए खर्च करना ओवर अ 2-3 ईयर पीरियड बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगेन वी सॉ कि भाई उस फैमिली को कितनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई। तो मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई है, कि मिडिल क्लास इंश्योरेंस लेती क्यों नहीं है, इंश्योरेंस उतना महंगा नहीं है, इंश्योरेंस तो 1000 रुपये महीने में आपको अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाता है, यू नो 30 साल के आदमी को 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है 1000 रुपए महीने में, तो इतना महंगा नहीं है, मतलब मिडिल क्लास लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, ले क्यों नहीं रहे। जब मैंने ये प्रॉब्लम थोड़ी और ध्यान से देखी तो मैंने एक चीज़ बहुत सिंपल समझी कि इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता, इंश्योरेंस बेचा जाता है, और आदमी बेचे तो वही का जहाँ पर ज़्यादा कमीशन मिलता है, जहाँ पर बड़ा प्रोडक्ट होता है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बिक रहे थे और कस्टमर इसमें एंगेज हो ही नहीं रहा था, कस्टमर आके खरीद ही नहीं रहा था। तो हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना था, मुझे आइडिया आया कि एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो कि लोगों को एजुकेट करे
कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और लोग खुद आके खरीदें, उनको मदद की जाए, उनको मदद करने के लिए लोग हों, लेकिन आए खुद हर रोज सवेरे उठ के कुछ लोग कहें कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना है। पर आप सोचेंगे अगर एक मिनट के लिए, तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पहले तो बनाना ही पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर आपको मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। भाई लोग अपने आप तो सवेरे उठ के आना शुरू नहीं कर देंगे, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसी भी चैनल पे जाके, टीवी चैनल पे जाके आप समझाते हो किसी को ये बात, उसके पैसे लगते हैं भाई, तो वो पैसे तो आपको चाहिएंगे। और इसके लिए आपको एम्प्लॉइज़ भी चाहिए थे, तो हमारे कुछ 18 हम लोग थे, हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन 18 के 18 लोगों ने पहले, क्योंकि मैं तनख्वाह नहीं दे सकता 18 लोगों को, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 18 लोगों की तनख्वाह दे सकूं, मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे जरूर थे कि मैं किराया दे सकूं, हम थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्वर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं वो हम खरीद सकें, उतने पैसे थे, लेकिन इतने नहीं थे कि मैं लोगों को तनख्वाह देना शुरू कर दूं। पर इन्होंने सबके सब एक साथ आए और इन्होंने अगले 6-8 महीने तक किसी ने कोई तनख्वाह नहीं ली। बहुत बड़ी बात है, आप किसी की सोचो, कोई आदमी जिसको 4-5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह छोड़ के इस काम में जुट जाए अगले 6-8 महीने के लिए। इन सबको हमने, ये सबके सब को फाउंडर्स थे, इन सब ने ये कंपनी फाउंड की और पहले 8 महीने किसी ने कोई तनख्वाह नहीं ली। उस 18 में से आज भी 14-12 साल बाद हमारे साथ ही हैं। तो मेहनत लगी, काफ़ी एफर्ट लगा, लेकिन कंपनी अच्छी सॉलिड बन गई। और इसमें कुछ एक दिन आए जब हमें लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे 2011 में हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे, हम लोग एडवर्टाइजमेंट से पैसा बनाते थे और लीड जनरेशन से पैसा बनाते थे। तो 2011 में एक रूलिंग आई जिसमें हमें बताया गया कि भाई आप ना ये ऐसे समझाता हूँ कि भाई जो कस्टमर हमारे पास आता है हम उसे इंश्योरेंस कंपनी को दे देते थे, और उसके बाद क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही प्रोडक्ट बेचती थी तो इंश्योरेंस कंपनी उनको हैंडल करती थी और हमें एक मार्केटिंग फ़ी मिल जाती थी। पर हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम कस्टमर को खुद बेच सकें, ये बहुत मुश्किल काम था कि भाई खुद बेच पाना। तो एक रेगुलेशन आई, एक रूल आए जिसमें ये था कि भाई नहीं, ऐसे करोगे तो आपको इनकम आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और हमारा बिज़नेस इनफीजिबल हो गया। तो हमें सबके सब मिले और हमने कहा कि भाई एक ही तरीका रह गया है, हमको सेल्स बिज़नेस बनाना पड़ेगा। सेल्स बिज़नेस बनाना बहुत मुश्किल था, अगर आप पूरी की पूरी उसकी डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा कि बहुत मुश्किल था। हम 20,000 रुपये खर्च करते जब जाके 1,000 रुपये का हमारा इनकम हो पाती थी, लेकिन वो दिन था और आज दिन था, हमने सेल्स का बिज़नेस बनाया। हम टेक्नोलॉजी में फोकस करते चले गए, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करते चले गए, प्लेटफॉर्म और इम्प्रूव करते चले गए, सब लोग एक साथ मिलजुल के लगे रहे उसमें और बिज़नेस बढ़ता चला गया। एंड ऑब्वियसली अभी हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन 3,500 करोड़ प्रीमियम कर रहे हैं इस साल। इंडिपेंडेंट जो ओपन आर्किटेक्चर ब्रोकर थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं। तो मैं क्या कहना चाहूँगा आपको, अगर मैं वापस जाता हूँ अपने आप को जब मैं 16-17 साल का था, तो मैं जिससे मिलता था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत लोगों से मिलवाया कि भाई आप उनसे मिलो, इन अंकल से मिलो, उनसे मिलो, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सब ने मुझे एक ही एडवाइस दी कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए या इस टाइप का फाइनेंस में जॉब ले लीजिए या आप ये जॉब ले लीजिए। किसी ने मुझे उस समय ये नहीं कहा कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए या आप अपना खुद का बिज़नेस लगाइए, लेकिन मेरी अपनी एस्पिरेशन जहाँ थी, जो मेरा अपना सोच थी, मुझे लग रहा था कि भाई मेरी एक ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी एक तरह से बिताना चाहता हूँ, और वो एक तरह से बिताना मेरे लिए वही था जो मैं आज कर रहा हूँ। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वो आवाज़ है ना वो बहुत बहुत सॉलिड है, वो बहुत लंबे अरसे तक लेके जाएगी। और जो एक करियर होता है ना, ये 2-3 साल में नहीं बनता, ये 20-30 साल में बनता है। 20-30 साल बाद देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम ये नहीं देख पाते कि हम 20-30 साल। तो मैं उनसे मिलता था और मुझे आज भी याद है मैं उन्हें क्या बोलता था, क्योंकि मैं एक अंकल से मिला था, वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे एक जॉब में, वो कहीं पे जनरल मैनेजर थे या वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि भाई क्या करोगे बिज़नेस करके, कहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा देखिए जी, मेरी ये विचार है कि एक कंपनी हो जो तकरीबन 1500 करोड़ रुपये का बिज़नेस करती हो और मेरी उसमें कुछ भागीदारी हो, मैं ये नहीं चाहता पूरी कंपनी मेरी हो। आज उससे डबल तो हैं और बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगले 5 साल में उससे 10 गुना हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या था, उस समय मेरे को ये नहीं पता था कैसे होगा, मुझे पता था मैंने करना क्या है। कई बार लाइफ में ऐसा आएगा आपको ये नहीं पता होगा कि काम होगा कैसे, लेकिन आपको ये पता है कि आपको, आप दिल से यही करना चाहते हो,
तो जो करना चाहते हो उसके ऊपर अगर आप पूरी तरह से पूरे दिल से मिलजुल के एफर्ट लगाएंगे तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप सिर्फ शायद छोटा सोच रहे हो, अचीव बहुत बड़ा होगा। इसमें कभी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज देख ली हैं ऐसी, सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज देख ली हैं। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल, एंड आई होप दिस स्टोरी इंस्पायर्स यू टू फॉलो योर हार्ट। थैंक यू। टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।